हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे तत्व चिंतन आईपीओ के बारे में और किस तरह से जो हमारी आईपीओ है वो लिस्ट होगा और लिस्ट होने से पहले कैसे उसकी अलॉटमेंट को हम चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी वीडियो है, 2-3 मिनट की वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आईपीओ है उसको कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट आई है आपके डीमैट अकाउंट में या नहीं आई है, अगर पैसे कट गए हैं या नहीं कटे हैं। तो वही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो तत्व चिंतन जो आईपीओ है उसका जो लिस्टिंग होगी वो 29 जुलाई को होगी और इसकी जो अलॉटमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। आप उसमें बिडिंग कर सकते हैं और 500 करोड़ कंपनी ने जुटाने के लिए ये आईपीओ लेकर आई है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, विश्वास के साथ बहुत अच्छा काम है, जैसा कि इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भी बताया है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर लेके आया हूँ। वहाँ पर जो कंपनी का जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो अलॉटमेंट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसका जो अलॉटमेंट है और उससे पहले ग्रे मार्केट के अंदर जो खबरें आ रही हैं वो रेगुलरली डे बाई डे जो ओवर सब्सक्राइबर की खबर आ रही है कि आईपीओ काफ़ी हिट जाएगा। अगर तत्व चिंतन का आईपीओ 180 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एमटार टेक के जो शेयर थे वो 200 गुना सब्सक्राइब हुए थे। एक इन्होंने रेफरेंस दिया है, जैसे कि ये एमटार है, कोई कंपनी आई होगी जिसकी लिस्टिंग हुई होगी तो उसके शेयर थे वो 200 गुना सब्सक्राइब हुए थे और तत्व चिंतन के 180 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि बुधवार को ग्रे मार्केट में जो इसके प्राइस थे वो 85% बढ़ गए थे, यानी कि जो 1083 का जो इसका प्राइस आया था उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम 1998 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ट्रेड कर रहा है ये, और जो इसकी लिस्टिंग मतलब जो इसका इशू प्राइस आया वो ये आया है 1083, और 1072 और 1083 के अंदर आप बिडिंग लगा सकते हैं। तो ये उसका प्राइस है। इसके साथ साथ जो कंपनी ने जो इशू करने हैं शेयर वो इशू करने हैं लगभग 32,61,000 शेयर जारी करने हैं कंपनी ने, और अब तक जो सब्सक्रिप्शन आया वो करीब 58,83,00,000 शेयर का इनके पास ऑर्डर आया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है ये शेयर लिस्टिंग से पहले ही। और उसके साथ इसमें जो मेन बात करनी है कि हमें इसको चेक कैसे करना है, यानी कि आपके डीपी अकाउंट में चेक कैसे करेंगे, तो वो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वेबसाइट है जिसमें आप अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें कॉस्मिक के fintech.com और आईपीओ स्टेटस, इसके अंदर आप इस अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि इसके अंदर आप एक और अलॉटमेंट है जिसके अंदर ये इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप इसके बाद अपना DP ID, DP क्लाइंट ID और पैन नंबर डालना होगा, उसके बाद आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ये जो अलॉटमेंट है वो आप चेक करने के लिए आपको ये वाली वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जिसमें अगर आप एप्लीकेशन नंबर का चुनाव करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट है। एक और वेबसाइट है असबा की, असबा के साथ भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। DP ID और क्लाइंट ID जो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जो आपका ID होगा उसके थ्रू आप इसको और चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर भी आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। एंड देन दूसरा तरीका है ये वाला, इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप BSE पर चेक कर सकते हैं। NSE BSE दो वेबसाइट होती हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं ये वाला एरिया में। मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ये वाला है पोर्शन जिसके अंदर मैंने आपको सर्कल में लिया है BSE.com, BSEIndia.com, इन्वेस्टर अप्लाई चेक एंड ACPX, इसके अंदर आप अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद इशू नेम में तत्व चिंतन डालें, फिर अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको मैसेज के थ्रू भी आया होगा और एक मेल पे भी आया होगा, और पैन कार्ड नंबर डालें। उसके बाद अपना स्टेटस, आप उसमें एक
ऑटो जनरेट होगा कि आई एम नॉट अ रोबोट एक तरह जो आजकल आता है, आप फिर वो क्लिक करने के बाद आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज़ पूछी जाएंगी तो वो फिल कर दीजिए, तो उसके बाद आप इसके अंदर एप्लीकेशन अपना जो स्टेटस है कि वो अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है, और अगर अलॉटमेंट नहीं भी हुई है तो वो अगर उसका जो फ़ंड होंगे वो आपको 27 और 28 को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आपके वापस अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसा कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीगल काम होते हैं, NSC BSC गवर्नमेंट इसके ऊपर जो SEBI है वो पूरा का पूरा ध्यान रखती है इन सब चीज़ों के लिए, कोई फ्रॉड ऐसा कुछ होने की कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि इस समय काफ़ी SEBI के रूल्स स्ट्रिक्ट हुए हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी अगर DP में होगा, DP होल्डिंग में या क्लाइंट, जैसे ही अगर 29th को ये आपके DP ID में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अकाउंट्स में आ जाएंगे, और अगर उससे पहले नहीं आते तो आपको फंड भी रिफंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप IPO के अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, और तत्व चिंतन जो IPO है, डेफिनेटली जो अभी तक की ग्रे मार्केट के हिसाब से खबरें आ रही हैं काफ़ी हिट जाने वाला है, जो उसका प्राइस है वो भी काफ़ी है जैसा कि काफ़ी लोग बता रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं कि जो इसका प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये थी छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग थी कि हाउ टू चेक IPO अलॉटमेंट बिफोर दी लिस्टिंग।